जो प्रॉब्लम लगा वीडियो में देखा होगा, देखिए अभी ये काम कर रहा है ये देखिए राइट। मैं जो उनसे परचेज किया था खराब होने के बाद मैंने इसको बनाने के लिए भेजा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा है जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी लोग आप लोग जैसे गिम्बल यूज़ करते हैं, स्मूथ Q3 गिम्बल वीडियो बनाने के लिए गिम्बल जो यूज़ करते हैं, वो लोगों का काफ़ी लोगों का मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा था कि गिम्बल नहीं चल रहा है, गिम्बल में प्रॉब्लम ही आया हुआ है, गिम्बल ठीक से नहीं चल रहा है, क्या करें वो भी बोल रहा था। तो मेरा भी वही प्रॉब्लम हुआ था सेम। मैंने भी एक गिम्बल खरीदा था, स्मूथ Q3 गिम्बल, जो कि 5-6 महीने पहले खरीदा था। वो अमेजोन से ऑनलाइन मंगाया था तो उसका वारंटी पीरियड भी था, लेकिन 5-6 महीने चलाने के बाद वो अचानक से अपने आप मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम आया पता नहीं चल रहा है। उसका जॉयस्टिक काम नहीं कर रहा था, पावर बटन दबा के ऑन करने पे जैसे वो आगे साइड पे कैमरा होना चाहिए वो बैक साइड घूम रहा था, और डबल क्लिक पीछे से ट्रिगर बटन दबाने पे आगे को तो आ रहा था लेकिन फिर से वो पीछे चला जा रहा था, रुक नहीं रहा था। उसके बाद लेफ्ट राइट स्विंग भी काम नहीं कर रहा था। मेरा वो स्मूथ Q3 गिम्बल में क्या प्रॉब्लम हुआ था मैंने उसका वीडियो बनाया, मैं आप लोग को दिखाता है। वो वीडियो देखिए पहले आप लोग। इसका पावर ऑन करते ही ये देखिएगा, इसको आगे रुकना चाहिए, ये बैक साइड को घूम जा रहा है, देखिए बैक साइड हो जा रहा है। इसको पीछे से 2 बार बटन दबाने से आगे आ जाता है 1-2, लेकिन रुकता नहीं है ये। ये देखिए फिर से पीछे को चला जाता है। इसका अप डाउन तो कर रही है बटन, लेकिन राइट लेफ्ट नहीं जा रहा है, लेकिन लेफ्ट में नहीं आ रहा, राइट में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। और आगे को ये ऑन करने पे नहीं आ रहा, पीछे का ये बटन नीचे वाला ट्रिगर बटन को 2 बार दबाने पे आ रहा है आगे, लेकिन होल्ड नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा मेरा उस गिम्बल में क्या प्रॉब्लम था। तो मैंने बहुत दोस्त लोगों से पता किया, इतना महंगा गिम्बल था, 7,500 रुपये का गिम्बल, क्या करे कहाँ बनाना है। मैंने सिलीगुड़ी में भी दोस्त लोगों से पता किया था लेकिन वहाँ पर भी कोई पता नहीं चला वैसे गिम्बल बनाने वाला। फिर कलकत्ता भी एक दोस्त लोगों को फ़ोन किया, वो लोगों ने भी बोला मालूम नहीं है। फिर मुझे यूट्यूब में मिला था एक नंबर गिम्बल रिपेयर करने का, गिम्बल सर्विस सेंटर का, दिल्ली में करोल बाग में, उनका नंबर मिला। फिर मैंने उनसे बात किया, उन लोगों ने बोला ठीक है आपका क्या प्रॉब्लम है गिम्बल में उसको लिख के उसके बॉक्स में उसको ढाल के भेज दीजिए, हमको कुरियर कर दीजिए बोला। और उन्होंने एड्रेस भी दिया, मगर उनका एड्रेस देने के बाद मुझे मन में डर भी लग रहा था कहीं गिम्बल बनाने भेज देगा रिटर्न नहीं आया तो। तो मैंने लगभग उन्होंने एड्रेस देने के 10-12 दिन तक मैंने भेजा नहीं गिम्बल बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा इसको रख के भी क्या करना है, चल भी नहीं रहा, इसको रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बनाने के लिए भेज ही देते हैं, क्या पता बन के आ जाए। तो मैंने मन में सोचा जो होगा देखा जाएगा। फिर वो सोच के उनका एड्रेस दिया, वहाँ पे मैंने बनाने के लिए भेज दिया गिम्बल। भेजने के बाद वहाँ तक पहुँचा उनके पास, और उनके पास पहुँचने के लगभग 10 दिन जैसे बाद में मेरे को उन्होंने मैसेज किया व्हाट्सअप पे, जो आपका गिम्बल बन के रेडी है, आपको वीडियो भेज रहा है व्हाट्सअप पे, देख लीजिए, अगर वीडियो देखने के बाद आपको सही लगा गिम्बल बनने का तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपका गिम्बल भेज देंगे। तो हमने वीडियो देखा तो वीडियो तो सही लगा मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है गिम्बल तो बन गया है, आप लोग भेजने का इसको अरेंज कीजिए कैसे भेजेंगे। तो उन लोगों ने बोला आपका एड्रेस भेजिए, हम आपको गिम्बल भेज देंगे। फिर मैंने एड्रेस भेजा, एड्रेस भेजने के 1 हफ्ते बाद गिम्बल मेरे पास आज पहुँचा हुआ है, और अभी कुरियर के थ्रू से आया हुआ है। मैं आपको बस लेके ही वीडियो बना रहा, मैं आपको दिखाने वाला है, ये देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा स्मूथ Q3 गिम्बल है जो पहले मैंने अमेजोन से परचेज किया था, खराब होने के बाद मैंने इसको बनाने के लिए भेजा हुआ था। तो अभी मैं आपके सामने इसको खोल के चेक करता है और ये सही से चल रहा है नहीं दिखाता है आपको, ठीक। तो मैं अभी आपको ये खोल के चेक करके दिखाने वाला है, अभी ये बस कुरियर से आया मेरे पास। अभी ये गिम्बल प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे आप लोग प्रॉब्लम हुआ होगा तो ये देखिए, मैं अभी इसको जैसे टेप मार के भेजा था उन लोगों ने वैसे ही भेजा हुआ है, मैं इसको अभी उन्होंने बना के तो भेजा हुआ है, देखते हैं इसको चला के, ठीक है। इसमें मोबाइल लगा के चेक करता हूँ इसको, पहले तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा मोबाइल को इस पर। अब इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, आपको दिखा रहा पावर ऑन करके,
हाँ ये पावर ऑन करने पे अभी आगे साइड ही दे रहा है, पहले क्या था बैक साइड को जा रहा था। और अभी मैं आपको दिखा था इसमें इसमें प्रॉब्लम और क्या था, जैसे इसको अभी इसका ट्रिगर बटन काम नहीं करता, ये राइट साइड आपने मेरा वो जो प्रॉब्लम लगा वीडियो में देखा होगा। देखिए अभी ये काम कर रहा है, देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ जा रहा है, अप डाउन दोनों हो रहा है, और पीछे का ट्रिगर बटन दो बार दबाने पे ये सेट भी हो रहा है, पहले जहाँ पे हमसे स्टेट हो रहा है, और तीन बार दबाने पे 1 2 3 ये पोर्ट्रेट मोड से सॉरी हॉरिजॉन्टल मोड से पोर्ट्रेट मोड में भी हो रहा है। देखिए आप लोग देखा होगा, तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है। अब देखिए ये ट्रिगर बटन भी काम कर रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ जा रहा है, अप डाउन दोनों हो रहा है, काम कर रहा है, और इसका 1 2 3 4 5 इस पर देखते हैं। जी हाँ ये काम कर रहा है, रोटेशन भी काम कर रहा है, तो ये बन के आ गया है। थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं गिम्बल रिपेयरिंग सेंटर को, मैंने मेरा स्मूथ Q3 गिम्बल था ये जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, देखिए आप लोग इसमें प्रॉब्लम हुआ था बनाने भेजा था। तो आप लोगों का भी अगर गिम्बल प्रॉब्लम कर रहा है तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब है कि बहुत लोगों का गिम्बल प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लोग परेशानी हो रहा है, इतना महंगा गिम्बल क्या करें, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर लीजिएगा, उसके बाद वो लोग जो आपको कुरियर करने के लिए एड्रेस देंगे उस एड्रेस पर बिना डरे कुरियर कर दीजिएगा सामान को, वो बन के आ जाएगा। देखिए मेरा आज बन के आ गया है आपके सामने, मैंने अनबॉक्सिंग किया ये जो बन के आया हुआ। रिपेयर सेंटर वाले को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो थोड़ा काम आएगा इसलिए मैंने वीडियो बनाया, तो वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और गिम्बल ख़राब होने पे बिना डरे आप लोग बनाने के लिए भेज दीजिएगा। ये देखिए मेरा भी स्मूथ Q3 गिम्बल है। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।